नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके ऊपर देवी का वास होने वाला है। दोस्तों, अब ये 3 दिनों का समय आप जो भी बात बोलेंगे वह सब कुछ सच्चे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत का पारसा पलटेगा और इन बातों पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आखिरकार आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन कैसे हो सकते हैं कि आखिरकार आपकी ज़ुबान पर ही देवी का वास होने वाला है और आप जो भी बोलेंगे वह सत्य होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अब आप लोगों को सोच समझ कर रहने की आवश्यकता है। बहुत ही सोच समझ कर अपने शब्दों का उपयोग करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस दौरान आप सभी से जाने और अनजाने में निकली गई मुंह से हर एक बात सत्य हो जाएगी। ऐसे में आप लोगों को कुछ विशेष और खास सावधानियां रखनी होंगी। दोस्तों, यूं तो आप अपने जीवन में जिसको भी जो भी सलाह देते हैं वे बिल्कुल सटीक सलाह देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जो भी बात आप बताते हैं वह सत्य बताते हैं। दोस्तों, ठीक वैसा ही उनके जीवन में होता आ रहा है, भले ही कुछ लोग आपकी बातों से बुरा मान जाते हों। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि आप जो भी बोल रहे हैं वे सामने वाले की भलाई के लिए ही कहते हैं। बाद में भले ही वह व्यक्ति आकर के आपको यही बोले कि आपने जो भी कहा वह सत्य बोला, भले ही वह बात कड़वी हो, आपको ज्ञान तो बहुत है। आपके दिल और दिमाग में ज्ञान का एक ऐसा भंडार है कि दोस्तों बस लोग सोचते ही रह जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती समय आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, ये जो शक्ति है वह आप लोगों के साथ में है। दोस्तों, ये जो माँ सरस्वती की कृपा है वह आप लोगों की ज़िंदगी में पड़ रही है। दोस्तों, जिसकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से धन्य होने वाला है। इस समय में आप लोगों को जो भी मांगना है वह आप मांग सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस देवी माँ का सीधा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर होने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत खास रहेगा। इन 3 दिनों में कुछ खास सावधानियाँ रखनी होंगी। दोस्तों, इसी दौरान आप जो भी प्रार्थना करेंगे वह आपको अवश्य से मिलेगी, बस आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो आपको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपने तो सुना होगा, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपको आपका फल अवश्य से मिलने वाला है। दोस्तों, कुछ घटनाएं आपकी अब घटित होने वाली हैं। माता रानी की कृपा से आपका दुख खत्म होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आप सभी को भी बता दें कि आप लोगों के जीवन में बढ़ रही समस्याओं की ओर आप लोगों को बचकर रहना चाहिए। लोगों से थोड़ा संभल कर मिलिए। आपको बता दें, आपके मूड में कुछ न कुछ बदलाव और बिगड़ता स्वास्थ्य आपको कुछ परेशान कर सकता है। कार्यस्थल में नई संभावनाएं बन रही हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। दोस्तों, नए कार्य करने के लिए भी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि समस्याओं को अक्सर में बदलने की कोशिश करें और आप अपने प्रति थोड़ी नज़र रखें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सही दृष्टिकोण की वजह से ही आप सकारात्मक सोचते हैं। और दोस्तों, आपको सभी को बता दें कि आपके बाद विवाद भी आपके हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दें कि अब आपको अपने प्रेम संबंधियों के बारे में कुछ बात बता दें। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में खास चीज़ें जाननी होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, आपका अब हर ड्रीम पूरा होने वाला है, यानी कि आपके सपने काफ़ी हद तक और काफ़ी जल्दी सकारात्मक रूप देने वाले हैं। बड़े बदलाव होने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत खास रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, विश्वसनीय व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, भरोसे को तोड़ सकता है। आपके साथ विश्वासघात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए भरोसा खुद से ज़्यादा किसी और के ऊपर ना करें। दोस्तों, सुनिए सबकी लेकिन करिए केवल अपने मन की बात। यदि समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी के जयकारे भी ज़रूर लगाइएगा। माता रानी आपके जीवन से सभी प्रकार के संकटों का नाश करेंगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का समय आपके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, आज का दिन आप लोगों के लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आएगा और आपकी किसी व्रत की
धार्मिक आयोजन भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपको काफ़ी सारी खुशी मिलेगी, काफ़ी प्रशंसा मिलेगी। आप लोगों को आज कुछ नए संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके जीवन स्तर में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। धन संपत्ति मामले में भी काफ़ी हद तक तेजी देखने को मिलेगी। आपको छोटे लाभ के अवसरों को पहचानकर उन पर अमल करना होगा, तभी आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहने वाले हैं। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको कोई भी मौका मिल सकता है। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा है कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपके लिए जो समय रहेगा, व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती लेकर आएगा। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप अपने संसाधनों के कारणों पर भी ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपके लिए जो ये समय रहेगा, ये समय बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज बचत की योजनाओं पर भी काफ़ी हद तक ध्यान देने वाले हैं। आपको किसी नए काम में निवेश करने का मौका मिलेगा, लेकिन निवेश बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, नहीं तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। संतान को यदि आप जिम्मेदारियां देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। माता जी आपको ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने ले जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ आपको आज नौकरी में कोई आह्वान मिल सकता है, इसलिए दोस्तों पूरे लगन से और पूरी मेहनत से काम करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लोग आपकी तारीफ करेंगे, वह आपका मान होगा, इज्जत होगी, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपकी सही जगह में सही लाभ आपको देखने को मिलेगा। आज का दिन आप लोगों के लिए वाणी व व्यवहार में भी मधुरता लेकर आएगा। दोस्तों, तभी आप कार्य के क्षेत्र में लोगों से आसानी से काम निकलवा पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को बोलने में थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, जितनी ज़्यादा हो सके मधुर वाणी मीठी वाणी का प्रयोग करें, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप अपनी योजनाओं की सोच समझ के योजनाएं बनाएं, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। आपकी आज कोई बिजनेस संबंधी योजना लंबे समय से लटकी हुई थी, तो दोस्तों वह भी फाइनल हो सकती है। और आप बड़ों की सलाह में अपने किसी कानूनी मामले में भी जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ त्याग व सहयोग की भावना भी आपकी बढ़ने वाली है, और आप एक बजट बनाकर चलें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि घर से आपके थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है, इसलिए खर्चों में थोड़ा सा आपको अभी ब्रेक रखना होगा। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अति उत्तम व फलदायक रहेगा। आपकी किसी भी करियर में दोस्तों जो है कच्ची विरोध हो सकती है। दोस्तों, आपको उन्नति करने का भी मौका मिल सकता है। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में यदि कोई समस्याएं रहेंगी तो आप उन्हें भी आज आपको छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि आप अपने भाइयों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आज आप लोगों को अपने घर और परिवार पर रखा हुआ है, तो दोस्तों बताइए कि यदि आप आने आदंती पूरा ध्यान दे सकते हैं। जीवन साथी से बातचीत करते समय आज आप अपनी मधुरता को बनाए रखेंगे दोस्तों, नहीं तो बहसबाजी भी हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आपके लिए जो समय रहेगा, ये समय आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। जितना भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सही से फल मिलेगा, काम आपका निर्विघ्न तरीके से पूरा होगा। दोस्तों, आपको अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलने वाला है, और आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता के कार्य भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इन तीन दिनों का राशिफल काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अपने जीवन को मधुरमय बनाने के लिए हमारे राशिफल को देखते रहिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।